तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद आगरा थाना सदर क्षेत्र राजपुर चुंगी 100 फुट रोड पर पुष्पनगर चौराहे की घटना है, जहां तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने 7 व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को शमशाबाद रोड स्थित GR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान। लगातार तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक घटना आगरा के रास्ते चुंगी सौफड़ा रोड पे घटित हुई है, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंदते हुए घायल कर दिया। जैसे कि हम लोग पीछे देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के नीचे पूरी तरह से बाइक दबी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है यहाँ पे ट्रैक्टर के चपेट में आने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको GR हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। वह सभी घायलों जिस स्थान पर यह घटना हुई है वहीं के क्षेत्रीय न्यायालय से आज हम बात करते हैं कि पूरी तरह से क्या घटना हुई है और कैसे घटित हुई है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रैक्टर से ये नीचे बाइक दबी है, क्या पूरी घटना जरा बताएंगे? घटना ये ट्रैक्टर पीछे से आ रहा था। ट्रैक्टर की गति क्या रही होगी? गति करीब करीब 50-60 के समथिंग होगी। अच्छा। और ट्रैक्टर आया उधर से, मैं उधर से आ रहा था, तो जब मैंने देखा तो ट्रैक्टर उधर से एकदम स्पीड में आया और 4-5 लोग खड़े हुए थे और 2 खोखे पे लेडीज बैठी हुई थी और एक खोखे वाले थे जगदीश राठौर जी, उन्होंने टक्कर मारी, 4-5 लोग दब गए थे। सभी को हम लोगों ने उठवाया और पैर वैर हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया। बाकी 4-5 लोगों के पैर टूट गए, जगदीश राठौर जी हैं उनके दोनों पैर टूट गए और उनकी जो धर्म पत्नी वो भी वहाँ बैठी हुई थी उनके भी पैर टूट गया। और एक शीशे वाला है यहीं पास में ही दुकान है आसिफ खान करके, उसके भी पैर टूट गए। खोखे पे करीब 4-5 लोग खड़े हुए थे। घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया? GR हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्या ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया अभी तक? पकड़ा है ट्रैक्टर चालक, भाग गया वहां से। क्या पता चल रहा है ट्रैक्टर कहाँ का है? अभी तक कोई पता नहीं है कि ट्रैक्टर कहाँ का है। और ट्रैक्टर मालिक को क्या सूचित किया गया? ट्रैक्टर मालिक को कोई सूचित नहीं किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को कब सूचना दी गई थी? प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत ही मैंने सभी लोगों को निकाला, उसके बाद मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को सूचना दी और सूचना देते हुए मैंने उनकी जो भी सहायता बन सकी वैसे भी मैंने की। हमारी भी अभी क्षेत्रीय नागरिक मौजूद है, आइए हमसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सबीर एडवोकेट है। ये जो घटना घटित हो रही है लगातार तीव्र गति से के कारण जो घटना घटित होती है उस पर क्या कहना है? सर ये पुलिस की लापरवाही है, पुलिस अवैध वसूली करने में लगी रहती है। ये आवासीय क्षेत्र है, कॉलोनी के लोग रहते हैं वहां पर, ये इलीगल अवैध ट्रैक्टर ट्रक ये गुजरते हैं और अराधुन में घटना कर देते हैं, जिससे ये लोग घायल होते हैं, मरानी जैसी स्थिति हो जाती है। तो पुलिस की लापरवाही को कहना चाहूंगा, अब वो मर जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। अब तो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, अराधुन इस ट्रैक्टर में लोगों को बदल दिया। तो कहना तत्पर यह प्रशासन की अधिकारियों की लापरवाही क्या रही है? भाई में खाली वाहन चेकिंग के लोग भाई लगी रहती है, उन लोगों को नहीं देखती है जिनको धंधा करती है, उनको देती है। ये मेरा कहना है, इतना कदम होगा देखने के बाद ये होगी कब तक तीव्र गति के ऊपर रोक लगाई जाती है और उचित ट्रैक्टर चालक पर क्या कार्रवाई की जाती है। मैं योगेश चौहान, कैमरामैन अशोक राजपूत के साथ 9 भारत समाचार आगरा। मर जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। अब तो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, अनाधिन इस ट्रैक्टर में लोगों को बदल दिया। तो कहना तत्पर यह प्रशासन की अधिकारियों की लापरवाही क्या रही है? भाई में खाली वाहन चेकिंग के लोग भाई लगी रहती है, उन लोगों को नहीं देखती है जिनको धंधा करती है, उनको देती है। ये मेरा कहना है, इतना कदम होगा देखने के बाद ये होगी कब तक तीव्र गति के ऊपर रोक लगाई जाती है और उचित ट्रैक्टर चालक पर क्या कार्रवाई की जाती है। मैं योगेश चौहान, कैमरामैन अशोक राजपूत के साथ 9 भारत समाचार आगरा।